29 अगस्त 2022 को नासा अपने अब तक के सबसे बड़े एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन की तैयारी करता है। उनका SLS रॉकेट अपने लॉन्च पैड पर रेडी होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी काउंटडाउन शुरू होने से सिर्फ 3 घंटे पहले मिशन को एबॉर्ट कर दिया जाता है। लेकिन नासा सिर्फ 4 दिन के बाद यानी 3 सितंबर 2022 को फिर से लॉन्च की तैयारी करता है। उनके अकॉर्डिंग इस बार कोई गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले फॉल्ट को भी रिजॉल्व कर दिया था। लेकिन लॉन्च से कुछ देर पहले मिशन को फिर से एबॉर्ट कर दिया जाता है। मैं या किसी ऑर्डिनरी मिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मिशन की जो नासा के लिए अब तक का सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन होने वाला है, द आर्टेमिस मिशन। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टेमिस मिशन एग्जैक्टली है क्या एंड क्यों ये मिशन ना सिर्फ नासा के लिए बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्यों इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इस मिशन को लॉन्च करने में बार बार फेल हो रही है। अब वैसे तो नासा ने 1958 से लेके अब तक काफी मेजर मिशंस करे हैं, जैसे स्पेस शटल प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मैन्ड मून मिशंस की, तो उसमें सबसे पहला मिशन था अपोलो 11, जो कि 1969 में किया गया था, जिसके दौरान इस दुनिया के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे पहला कदम रखा था। लेकिन इसके बाद नासा ने ऐसे सिर्फ 5 और मून मिशंस करे, जिसमें सबसे लास्ट मिशन था अपोलो 17, जो कि 1972 में किया गया था। इसके बाद अगले 50 साल तक दोबारा किसी ह्यूमन ने कभी मून पे कदम नहीं रखा। लेकिन अब 2022 में नासा ने फाइनली फिर से मून एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत करी है, आर्टेमिस मिशन के नाम से। इस बार नासा का मिशन सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड करवाना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो सिर्फ मून तक जाके नहीं रुकने वाले, बल्कि इस बार वो अर्थ से 87 मिलियन किलोमीटर दूर मार्स तक जाने वाले हैं। फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स को मार्स तक पहुंचाना एक सेपरेट मिशन होगा, लेकिन उससे पहले आर्टेमिस मिशन का कम्प्लीटली सक्सेसफुल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आर्टेमिस मिशन के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला लूनर गेटवे एंड दूसरा बेस ऑन मून। लूनर गेटवे एक स्पेस स्टेशन होगा जिसे मून की लूनर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस लूनर गेटवे के एक तरफ होगा हेलो मॉड्यूल, जिससे अर्थ से आने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट को डॉक करेंगे यानी उसे कनेक्ट करेंगे। इस गेटवे का दूसरा मेन कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसे इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स इस गेटवे से लेके मून तक का डिस्टेंस कवर करेंगे एंड फाइनली मून पे लैंड करेंगे। नासा का ये भी कहना है कि वो फ्यूचर में इस गेटवे की हेल्प से स्पेसक्राफ्ट्स को मार्स के लिए भी लॉन्च करेंगे। मून पे सक्सेसफुली लैंड करने के बाद नासा का मेन ऑब्जेक्टिव होगा मून पे एक बेस क्रिएट करना, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक के लिए रह पाएंगे और आने वाले फ्यूचर मिशंस के लिए एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स भी कर पाएंगे। इस पूरे मिशन की कॉस्ट है $93 बिलियन। अब अगर आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा, आप गूगल कर लीजिए। वेल, ये प्राइस इस मिशन को नासा का 3rd most expensive मिशन बना देता है। अब आपको ये सब सुन के समझ आ ही रहा होगा कि ये मिशन कितना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए नासा ने इस मिशन को 3 sub-missions में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आएगा आर्टेमिस 1, उसके बाद आएगा आर्टेमिस 2 एंड देन फाइनली आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 एक अनक्रूड मिशन है, यानी इसमें किसी भी ह्यूमन को नहीं भेजा जाएगा, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स की जगह पे 3 similar size मैनिक्विंस को जरूर भेजा जाएगा। ये नासा को हेल्प करेंगे लाइफ सपोर्ट जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स को चेक करने के लिए। इस मिशन में नासा के SLS रॉकेट सिस्टम को अर्थ से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद इस रॉकेट का सबसे मेन कंपोनेंट ओरायन क्रू कैप्सूल अपने रॉकेट सिस्टम से सेपरेट होके अपनी मून तक की जर्नी कंप्लीट करेगा। ओरायन क्रू कैप्सूल वही कंपोनेंट है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स या इस मिशन में उन 3 मैनिक्वींस को रखा जाएगा। इस कैप्सूल को अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस कवर करने में अप्रॉक्स 6 days का टाइम लगेगा। मून को 2 बार ऑर्बिट करने के बाद ओरायन वापस अर्थ के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा एंड फाइनली पैसिफिक ओशन में लैंड करेगा। नासा के लिए आर्टेमिस 1 का प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना एंड सक्सेसफुल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये एक पाथ फाइंडिंग मिशन है जो कि आने वाले फ्यूचर मून ट्रिप्स के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3 मिशंस आर्टेमिस 1 के दौरान की गई स्टडीज एंड रिसर्च को ही फॉलो करेंगे। बस फर्क ये होगा कि आर्टेमिस 2 में मैनिक्विंस की जगह एक्चुअल ह्यूमंस को मून ट्रिप पे भेजा जाएगा एंड आर्टेमिस 3 में फाइनली एस्ट्रोनॉट्स मून सरफेस पे लैंड करेंगे।
इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जिन लॉन्चेस की बात करी थी वो आर्टेमिस 1 के ही फेल्ड अटेम्प्ट्स थे। दो बार लगातार इस मिशन को एबॉर्ट करने के बाद नासा ने फाइनली बताया कि दोनों लॉन्चेस सेम रीजंस की वजह से फेल हुए थे। काउंटडाउन स्टार्ट होने से कुछ ही घंटों पहले साइंटिस्ट ने मेन रॉकेट सिस्टम से लिक्विड हाइड्रोजन लीक को डिटेक्ट किया, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी इसे टाइम रहते सॉल्व नहीं किया जा सका। ये बात काफी लोगों के लिए एक्सेप्ट करनी बहुत डिफिकल्ट थी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इतने इंपॉर्टेंट मिशन को लॉन्च करने से दो बार लगातार फेल हो गई है। काफी मीडिया चैनल्स एंड एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स ने ये भी कहा कि इस लॉन्च का सबसे मेन रीजन है ओल्ड रॉकेट सिस्टम्स को यूज करना। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि आर्टेमिस 1 मिशन में जिस रॉकेट सिस्टम को यूज किया जा रहा है उसका नाम तो नासा ने नया दिया है मेगा रॉकेट, बट उसका डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी स्पेस शटल प्रोग्राम पे बेस्ड है जो कि 1981 से लेकर 2011 तक यूज किया गया था। बट इन सारे ब्लेम्स एंड स्पेकुलेशंस को साइड में रखते हुए नासा फाइनली 2 महीने के गैप के बाद आर्टेमिस 1 के थर्ड लॉन्च अटेम्प्ट के लिए तैयार है। इस लॉन्च की एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि एज अ स्पेस एंथुजियास्ट मैं ये आशा करता हूं कि नासा इस बार आर्टेमिस 1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएगा एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में हमें एक नया एरा देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ध्यान रखिए एंड हैव अ वेरी गुड डे।